उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के संकेत मिल रहे हैं। खुद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने आलाकमान को इसे लेकर सुझाव दिया था। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस कानून को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसान नेताओं के मुताबिक वो स्वामीनाथन आयोग द्वारा दिए गए C2 फॉर्मूले को ही मान्य करेंगे। दरअसल MSP का आकलन करने वाले कृषि लागत और मूल्य आयोग ने खेती की लागत के 3 वर्ग बनाए हैं, A2, A2 प्लस FL और C2। A2 फॉर्मूले में फसल उत्पादन के लिए किसानों द्वारा बीज, खाद, ईंधन और सिंचाई की लागत शामिल होती है। A2 प्लस FL फॉर्मूले में खर्च के साथ फसल उत्पादन लागत में किसान परिवार का अनुमानित मेहनताना भी जोड़ा जाता है। वहीं C2 फॉर्मूले में खेती के व्यावसायिक मॉडल को अपनाया गया है। इसमें कुल नकद लागत और किसान के पारिवारिक पारिश्रमिक के अलावा खेत की जमीन का किराया और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के किसान पिछले 10 महीने से धरने पर बैठे हैं। वहीं 2022 में मार्च तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके बाद गुजरात में भी चुनाव होने हैं। बीजेपी के किसान नेता पहले ही आलाकमान को कृषि कानूनों को लेकर किसानों से मिल रहे इनपुट की जानकारी दे चुके हैं। RSS से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी MSP पर गारंटी कानून बनाए जाने की हिमायत की है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से MSP को कानूनी जामा पहनाने के संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।